हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अनदर टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर दी चार्ज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू स्टोर दी चार्ज। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू स्टोर दी इलेक्ट्रिक चार्ज। और वी कैन से दैट इट स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी कैपेसिटर को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इट स्टोर्स दी एनर्जी। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, तो व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। व्हेन ए चार्ज इज गिवन When charge is given to the conductor, its potential increases. Or suppose a charge Q increases its potential, increases its potential by V, then we can say that Q is directly proportional to V. और constant of proportionality का हम symbol हटाएं तो it can be written as Q is equals to CV, where C is the constant of proportionality is called capacitance of the conductor. तो capacitance का formula क्या हो जाएगा? C is equals to Q upon V. Now let's discuss about its unit dimension. तो unit SI unit of the capacitance is farad. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Its SI unit is farad. लेकिन इवन जो आपका अर्थ की रेडियस इतनी ज़्यादा है उसका भी कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन माइक्रोफेरेड और पीकोफेरेड। वन माइक्रोफेरेड इज इक्वल्स टू 10^-6 फेरेड एंड वन पीकोफेरेड इज इक्वल्स टू 10^-12 फेरेड। लेट्स फाइंड आउट इट्स डायमेंशन। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, V कैन बी रिटन एज W अपॉन Q, ये आपका Q स्क्वायर हो गया। तो Q की डायमेंशन क्या होती है? AT, तो A2 T2। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ML2 T-2। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस इज M-1 L2 T4 A2। इन्हें आप नोट कर लीजिए, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। देर आर सम फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटर्स डिपेंड्स एंड डज नॉट डिपेंड्स। इनको आप थोड़ा मेमोराइज करके रखो, कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। तो इफ साइज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, यदि कंडक्टर को हम बड़ा कर देते हैं, देन इट्स capacity to store the charge also increases. We can say that capacitance increases on surrounding medium. यदि हम क्या करते हैं, कोई dielectric constant है आपका, दो plates के बीच में कोई dielectric constant है, उस dielectric constant की value को यदि हम increase कर देते हैं, then its
कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस देन इट्स कैपेसिटी टू इंक्रीज टू स्टोर द चार्जेस इंक्रीजेस. प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स, यदि कोई कंडक्टर के पास में दूसरा में न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया देन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस. आगे आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़ेंगे. एंड द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द कंडक्टर. कंडक्टर पर कितना चार्ज है किसी भी टाइम पर उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. तो अभी ऐसी बात जब चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा देन इट विल डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर. दीज आर सम फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. जो कैपेसिटर्स होते हैं जनरली इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स. तो यहाँ पर हम जो दूसरा कंडक्टर है उसे हम इन्फिनिटी पर सपोज करके चल रहे हैं. सपोज अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, तो हमारा कभी भी यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कैपेसिटेंस निकालना है किसी अरेंजमेंट का, तो हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल निकालते हैं देन फॉर्मूला लगा देते हैं Q इक्वल्स टू सी वी और सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. वहां से हम डायरेक्टली कैपेसिटेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सपोज अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर. नाउ दिस चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सेंटर को ओ मान लेते हैं, रेडियस इज आर. सपोज ए चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द कंडक्टर इज गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर इट गेट्स uniformly distributed over the surface. Or we can say that potential at the every point of the surface is same. The electric potential at every point of the surface is same. And its value is KQ upon R. Now, since we know that the value of the potential, then we can easily find the value of capacitance. C is equals to Q upon V. Q upon V is KQ upon R. Or R K की value रख दीजिए, K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. तो यहां से कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर टू स्टोर द चार्ज इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इवन इन केस ऑफ द अर्थ, अर्थ की केस की बात की जाए तो रेडियस वी नो दैट इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर. सब वैल्यूज को रखते हैं देन इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 711 पीको फेरेड. If we consider the earth, then its radius is 6400 kilometer. यदि फॉर्मूले में रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 711 microfarad. आप देख सकते हो कि अर्थ खुद हमारे लिए बहुत बड़ा स्फीयर है, उसकी भी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है आपकी, माइक्रोफेरेड में है. तो इसलिए मोस्टली हमें जब दिखेंगी वैल्यूज तो माइक्रो और पीको फेरेड में दिखेंगे.